तंत्र मंत्र के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले अगर आपने हमारा भाग नहीं देखा है तो अवश्य देखें। तंत्र मंत्र के इस एपिसोड में हमने आपसे पहले ही कहा था, अगर तंत्र मंत्र आप सीखना चाहते हैं, किसी पर करना चाहते हैं, तो आपको किसी ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। किसी तांत्रिक को आप अवश्य अपने साथ रखें, इससे आपको लाभ होगा। और अगर आप मनोरंजन के हिसाब से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप मनोरंजन के हिसाब से इस वीडियो को देख सकते हैं। और मेरे वीडियो को देखने के उपरांत आप अवश्य ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें। मैं आपको मनोरंजन के हिसाब से भी बता रहा हूँ और आपको तंत्र शक्ति भी सिखा रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों के कहने पर यह वीडियो प्रारंभ किया है, ऐसे मेरा दूसरा चैनल है, मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाता हूँ। परंतु कई लोगों ने हमसे कहा है कि गुरुदेव आप इस प्रकार की वीडियो बनाएं। तो आए आज हम जानेंगे कि मंत्र जो है वह तीन लिंग होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नापुंसक लिंग। मंत्रों के भी लिंग होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग, पुरुष, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग मंत्र हम उसे कहते हैं जिसके अंत में स्वाहा का प्रयोग होता है। हम कई सारे मंत्रों में स्वाहा का प्रयोग करते हैं आहुति देते समय, वह स्त्रीलिंग होता है। और उन मंत्र को हम पुल्लिंग कहते हैं जिनके अंत में हु फट स्वाहा लगता है। यह बहुत सारे जगह पे आपने तांत्रिकों को यूज करते देखा होगा, यह तंत्र विद्या में ही यूज होता है, हु फट स्वाहा। और जो मंत्र लास्ट में नमः पर आकर ख़त्म हो, से नमः, यह नापुंसक लिंग हो जाता है, यह परमात्मा को अर्पित हो जाता है। इनका यह समाप्ति का यह घोषक होता है कि समाप्त हो गया नमः। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नापुंसक लिंग यह मंत्रों के भी तीन लिंग होते हैं, तीन भेद लिंग भेद होते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको और सारी मंत्रों की जानकारी दूंगा और उसे किस प्रकार करते हैं तथा कितनी बार करते हैं, इस सारी जानकारियां मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।